हरिद्वार जिला पंचायत सीट पर भाजपा का कब्जा। 5 वोट से जीते भाजपा समर्थित सुभाष वर्मा, संपन्न शासन द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष को निलंबित किए जाने के बाद रिक्त हुई थी सीटें। बीजेपी प्रत्याशी सुभाष वर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी वीरेंद्र राणा को 5 मतों से पराजित किया। सुभाष वर्मा को 25 मत जबकि वीरेंद्र राणा को 20 मत प्राप्त हुए। 40 सदस्यीय जिला पंचायत में 1 सदस्य का मताधिकार हाईकोर्ट ने किया था अवैध। कर चोरी के मामले में राज्य कर की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों का फर्जीवाड़ा आया सामने। 1455 करोड़ का टैक्स चोरी का है मामला। 70 फर्म पर कार्रवाई की गई। 68 उधम सिंह नगर, 2 देहरादून में रजिस्टर्ड। बड़ी संख्या में ई-वे बिल बनाकर करते थे धांधली। मृत लोगों के नाम पर चल रही थी फर्म। 55 टीम ने पूरे प्रदेश में की छापेमारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई पूरी जानकारी। पहाड़ी जनपद बागेश्वर में लोक निर्माण विभाग बागेश्वर के कार्य प्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। 2009-10 से झटख्वाली से गवाड़ गांव को जोड़ने वाली सड़क अधर से लटकी हुई है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से गांव की अधूरी सड़क को पूरा करने के लिए फरियाद लगाई है। गवाड़ झटख्वाली गांव से आए सुंदर सिंह का कहना है कि लोक निर्माण विभाग ने 4 किलोमीटर सड़क का निर्माण आधा अधूरा किया है। अधूरे कार्य के कारण हमारे पुराने गांव को जोड़ने वाले रास्ते बंद हो चुके हैं। लगातार गांव की अधूरी सड़क निर्माण से हमारे खेत धंसने की स्थिति में आ चुके हैं। रविवार को हल्द्वानी में दिनदहाड़े सिंधी चौराहे पर हुए भुप्पी पांडे हत्याकांड के मामले में शहर में पुलिस के खिलाफ आक्रोश पनप रहा है। सोमवार सुबह मृतक भुप्पी पांडे के अंतिम संस्कार करने के बजाय काठगोदाम क्षेत्र के लोग, जनप्रतिनिधि और भुप्पी पांडे के परिजन उसका शव लेकर कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। लोग कोतवाली में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर कोतवाल विक्रम राठौड़ को हटाने की मांग और हत्याकांड के दूसरे आरोपी गौरव गुप्ता की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। 3 घंटे तक चले इस हंगामे के बाद एसएसपी सुनील कुमार मीणा ने कोतवाल विक्रम राठौर को लाइन हाजिर करते हुए डीआईजी को कोतवाल के निलंबन की संस्तुति भेज दी। रुद्रपुर में मुस्लिम समुदाय में भारत सरकार द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में एनआरसी व सीएबी कानून पास होने के बाद आक्रोश है, जिसको लेकर रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में नगर की सभी मस्जिदों के इमाम और मस्जिदों की कमेटी के पदाधिकारियों ने शांतिपूर्ण ढंग से सीएबी कानून का विरोध दर्ज कराते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के दिलों से एनआरसी का खौफ अभी निकला भी नहीं था कि उस पर सीएबी बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास कराकर विशेष समुदाय को सताने का प्रयास किया जा रहा है। पीठासीन अधिकारियों का आज से होगा दून में सम्मेलन। उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रेस वार्ता के तहत दी जानकारी। सम्मेलन के तहत लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष कल पहुंचेंगे देहरादून। मफलर और तिलक अक्षत से होगा अतिथियों का स्वागत। परंपरागत गीत संगीत व नृत्य स्वागत में किए जाएंगे पेश। खाने को दिए जाएंगे परंपरागत पहाड़ी व्यंजन। करीब 25 राज्यों के पीठासीन अधिकारियों के आने की है संभावना। श्राइन बोर्ड, जिसका नाम बदलकर सरकार ने अब देवास्थनम बोर्ड रख लिया है, उस एक्ट के विरोध में हक हकदारियों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री व गंगोत्री के हक हकदारी सड़कों पर उतरकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कल उत्तरकाशी में गंगोत्री के तीर्थ पुरोहितों व हक हकदारियों ने इसी विरोध के चलते मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अर्थी यात्रा निकाली। अब 18 दिसंबर को उत्तरकाशी में महारैली का आयोजन किया जा रहा है। हक हकदारियों का कहना है कि जब तक निर्णय वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे। केदारनाथ में अभी बर्फ पड़ना शुरू ही हुआ था कि 6 फीट से अधिक बर्फबारी इस धाम में दर्ज की जा चुकी है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ ज्यादा पड़ने की वजह से बिजली पानी की समस्या गहराती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में विजय दिवस बड़े धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देश के आन बान और शान की रक्षा करने वाले अमर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई तथा 1971 भारत पाक युद्ध में शामिल पूर्व सैनिकों व सैनिक विधवाओं को सम्मानित किया गया। पुलिस द्वारा अमर शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। स्कूली बच्चों ने गोपेश्वर नगर क्षेत्र में प्रभात फेरी निकालकर अमर शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति, देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता व अखंडता पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति दी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत रिक्त पदों को आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति किए जाने का बहिष्कार शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में आउटसोर्स नियुक्ति को हटाए जाने की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में आउटसोर्स से की जा रही नियुक्ति को हटाने की मांग की है। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ टीवी। खबर पहाड़ की, बेल आइकन दबाना ना भूलें।